اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज आपके पास जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पहले ट्रायंगल्स की तीन टाइप्स आपको बता दी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल. तीनों एक ही मेथड से हम ड्रा कर सकते हैं. और इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आपके पास प्रोटेक्टर चाहिए होगा और कंपास चाहिए होगा और स्केल चाहिए होगा. अब हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा तो वो आप लोग तो उसके मुताबिक कर लें. आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने आपको बोला था तीनों साइडें इक्वल होती हैं. तो हमने आपको थ्री साइड्स गिवन है और वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है. अब आपने जो चीज़ ड्रा करनी है कंस्ट्रक्शन में, याद रखना ज्योमेट्री में जो चीज़ आप ड्रा करते हैं उसका प्रोसीजर साथ साथ आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख रहे होते हैं. मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जस्ट वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ. अब सबसे पहले हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो हमने 4 सेंटीमीटर की स्केल के साथ एक मार्जिन लाइन, या हम उसको क्या कह सकते हैं, लाइन लगानी है. ये आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गए और इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो पहला स्टेप है, ड्रा लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर. आप इसका नाम भी हम रख लेते हैं ए बी. आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप भी साथ कर लिए थे. दूसरा स्टेप मैं पढ़ता हूँ. प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन ए एंड ओपन इट टू द पॉइंट बी. मेक एन आर्क ऑफ लेंथ ए बी अबव ए बी. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास 4 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल है, इसलिए हम इधर से ही रख के लगा लेते हैं. यहाँ से रख के ए से रख के हमने बी जितना ओपन कर लिया कंपास को. ओपन करने के बाद आपने ए को पॉइंट कंसिडर करके ए बी लाइन से ऊपर एक आर्क लगा लेनी है. ये आर्क आपके पास आ जाएगी. इसी तरह पॉइंट नंबर 3 है, नाउ टेक बी एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ द सेम लेंथ विच इंटरसेक्ट एट द प्रीवियस आर्क एट सी. अब यहाँ बी से हमने रख के एक आर्क ड्रा की तो वो उसने प्रीवियस आर्क को कट कर लिए. एक ये नई आर्क है और ये प्रीवियस आर्क, ये आपके पास उसने प्रीवियस आर्क को क्या कर लिया, कट कर लिया है. तो उसने प्रीवियस आर्क को कट कर लिया है तो अब जिधर उसने प्रीवियस आर्क को कट किया उस पॉइंट को अपने सी का नाम दे देते हैं. वो पॉइंट सी है. अब पॉइंट सी के बाद हम क्या कहते हैं, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी. आपने ए को भी किसके साथ ज्वाइन कर लेना है, सी के साथ ज्वाइन कर लेना है और बी को भी आपने सी के साथ ज्वाइन कर लेना है. तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है जिसकी तीनों साइडें 4 सेंटीमीटर है. ये भी 4 सेंटीमीटर है, वो ये भी 4 सेंटीमीटर है. ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ये ट्रायंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल.